हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहे। सो गाइस, आज मैं अनबॉक्सिंग के लिए अपना टॉपिक के लिए ये ले आया हूँ अपन के पूल टेबल, बिलियर्ड गेम, जो भी कहना चाहते हैं आप वो कह सकते हैं। सो गाइस, इस पे कुछ आपको तो पता ही होगा ये कहाँ पे बनता है। तो और इसमें कुछ बॉक्स में कुछ है नहीं, और ठीक है, और ये अपन ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने इसको यहाँ पर निकाल दिया है, और ये अपन का कुछ रेड कलर का मैंने परचेस किया था, और पीछे से कुछ ऐसा आपको दिखा रहा हूँ मैं, पीछे से कुछ ऐसा लग रहा है। और इसकी स्टिक्स मिनी पूल टेबल है, लेकिन बहुत बढ़िया है। देखो गाइस, यहाँ पर ये रही इसकी दोनों स्टिक्स। इसको रखते हैं हम साइड में, और हमारा ले आता है मेन वाला बॉक्स। सो गाइस, ये रहा हमारा मेन वाला बॉक्स, और इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें कुछ हमें मिला है, ये हमारे सबसे प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बॉल्स। देखिए गाइस, इसमें छोटे छोटे से बॉल्स हैं, और इसके पैर हैं। इस एक पैकेट में दो है और एक पैकेट है, देखो वैसा ही और एक पैकेट है। और इसके स्क्रूज, हाँ ये रहे, इसके स्क्रूज भी हमको दिए गए हैं। और एक हमारा प्यारा सा क्या कहते हैं इसको, चौक। और ये ट्रायंगल वाला, इसको क्या कहते हैं वो आप कमेंट में मेरे को बताना, मेरे को पता नहीं है इसको क्या कहते हैं। और बाकी तो हमारा पूरा का पूरा बॉक्स खाली हो चुका है, इसको हम रखते हैं साइड में। और अब ये देखो, अब हम डायरेक्ट अपने पूल टेबल की बात करते हैं। को दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, ये देखो अब आ गया ठीक से। सो गाइस, इसके यहाँ पर पैर स्क्रूज से अटैच हो जाएंगे, दो दो स्क्रूज लगेंगे, सेम टू सेम इधर है और सेम टू सेम ये बैक साइड पर है। सो गाइस, मैं इसके स्क्रूज को लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। और हाँ, ये स्क्रूज के साथ इसके मैं पैर भी लगा देता हूँ। और उसके साथ मैं बात करता हूँ कि इसका जो ये पार्ट है, आपको कैमरे में शायद से ऑरेंज कलर का लग रहा होगा, लाइट ऑरेंज कलर का, लेकिन रियल में बहुत डार्क वाला, वो क्या कहते हैं, रेड कलर का है। और यहाँ पर नेट लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, इधर नेट लगी हुई है यहाँ पर। तो और ये मटेरियल बहुत ही क्या कहते हैं, मज़ेदार सा मटेरियल है, आपको हाथ इसको लगाने का मन होता रहेगा। सो गाइस, बातें बहुत हो गई, मैं आपको यहाँ पर इसके पैर लगा के दिखा देता हूँ।